मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सईद अंसारी जी को, वो आएंगे और उनके साथ तालियों के साथ स्वागत कीजिए उर्मिला शिरीष का, जो दो दर्जन से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कहानी चीख हिंदी की 10 श्रेष्ठ कहानियों में शुमार, मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का अखिल भारतीय मुक्त बोध पुरस्कार, कमलेश्वर कथा सम्मान, रामदास तिवारी सम्मान, 21 सम्मान से वो सम्मानित हुई हैं। साथ ही साथ तालियों के साथ स्वागत गीता श्री, जो कि औरत की आजादी और पहचान के लिए लड़ने वाली लेखिका हैं, रामनाथ गोयनका पुरस्कार समेत कई अन्य सम्मानों से वो नवाजी जा चुकी हैं। और साथ ही साथ तालियों से स्वागत आप सबके अपने सईद अंसारी जी का। थैंक यू अर्पिता जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आपने अर्पिता जी, गीता जी और डॉक्टर शिरीष का परिचय बहुत अच्छी तरह से करवाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन आज के हमारे इस सत्र के जो दोनों मेहमान हैं उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। यहां सबसे महत्वपूर्ण ये है, गीता जी और उर्मिला जी दोनों ही स्त्री विमर्श, स्त्री चिंतन और स्त्रियों के बारे में बात करती है। लेकिन अगर हम दोनों के नाम देखें तो एक शिरीष है, एक श्री हैं, और बहुत कम मंचों पर गीता जी के श्री के बारे में लिखा गया, कहा गया, और बिल्कुल उसी तरह आपके शिरीष के बारे में। क्योंकि गीता जी न सिर्फ एक पत्रकार हैं, एक साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, शोधकर्ता हैं, रिपोर्टर हैं, संपादक हैं, देश के बड़े बड़े समाचार पत्रों में उन्होंने काम किया, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में उन्होंने काम किया, एक पत्रकार के नाते। मध्य प्रदेश का एक ऐसा आदिवासी अंचल जहां गीता जी ने काम किया और जहां डॉक्टर शिरीष खुद स्वयं पली बढ़ी, ये जो गीता जी हमने कम बताया, अभी हमने कम बताया क्योंकि फेलोशिप्स इतनी सारी, विदेश यात्रा, विदेश में जाकर बच्चों को कहानी लेखन सिखाना, बहुत व्यापक है आपका लेखन, बहुत व्यापक है आपकी दृष्टि, बहुत बहु प्रतिभा मुखी संपन्न व्यक्तित्व अगर हम कहें तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या कहूं, ऐसा मन में आता है कभी? अभी जो लोग यहाँ बैठे हैं, पिछला दो सेशन सुना आप लोगों ने, उन सब से एक ध्वनि आई है कि क्या कहूं आज जो नहीं कही। सबने वही कहने की कोशिश की जो कहा नहीं गया। तो मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत वाचाल हूं और मैं बहुत बोलती हूं, मैं बहुत लिखती हूं, लेकिन ये सवाल अब भी कायम है कि ऐसा क्या बचा रह गया जो मैंने कहा नहीं, जो लिखा नहीं। तो मैं आज अपनी बात वहां से उठाना चाहती हूं, अकबर इलाहाबादी के एक शेर से, महफिल उनकी साकी उनका, महफिल उनकी साकी उनका, आंखें अपनी बाकी उनका। मैं पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री की आवाज हूं, पूरे समुदाय की एक प्रतिनिधि के तौर पर मैं ये कहना चाहती हूं कि उनकी महफिल, उनके साकी और दुख हमारे दसवें हिस्से का भी अभी तक व्यक्त नहीं हो पाया है। और आज भी स्त्रियां उसी तरह से मोहब्बत में, विवाह में, संबंधों में उसी तरह मारी जाती हैं। आफताब और श्रद्धा का ताजा दुख, ताजा दर्द
जिस पर अभी कहा नहीं, जिस पर बहुत कहना बाकी है, और स्त्री पुरुष संबंधों पे अभी बहुत बात होना बाकी है। और जब ये बात निकलेगी तो स्त्री का जो इतिहास जिस पर धूल जमी है, जिसे पन्नों में दो लाइनों में समेट दिया गया, जिसके लंबे लंबे शासन काल को उल्लेख के लायक भी नहीं समझा गया, सिर्फ इतना कहा इतिहासकारों ने कि 7 वर्षों तक इन्होंने भी शासन किया, जहां जहां स्त्री भी रही उस भी के दर्द की कथा मैंने अभी नहीं कही। मुझे वह सब कहना है जो हमारी गुमनाम पुरखिने थी, जो स्त्रियां थी जिनका इतिहास दबा दिया गया, जिनके योगदान को दबा दिया गया। मुझे उस परंपरा की खोज करनी है और उस परंपरा पर बात करनी है जिसमें हमारा इतिहास छुपा हुआ है। मैं उन तमाम दर्द भरी आवाजों को खोजती हूँ जिनके लिए पिछले सत्र में भी चर्चा हुई कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हम वही दुख भरी कथा खोजने और कहने निकले हैं। सईद, सुंदर गीता जी, एक बार फिर से स्त्री मन के लिए और आपका जो दर्द है वो उभरा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर उर्मिला, आप इतना आपने पढ़ लिख लिया है मैम कि डर लगता है आपके सामने बैठने में, और वैसे ही हमें पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा ही डर लगता है। पहला तो ये कि क्या जरूरत थी इतना पढ़ने की, हम लोगों को कॉम्प्लेक्स क्यों दे रही हैं आप, मतलब पीएचडी डेलेट पता नहीं क्या क्या, हमें तो समझ में भी नहीं आता है वो। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा व्यक्तित्व हमारे उसके साथ हम बैठते हैं। मैं आप बहुत विनम्रता के साथ आप लोगों से ये भी कह दूं, इस योग्य बिल्कुल नहीं हूं कि गीता जी के साथ और उर्मिला जी के साथ बैठ सकूं, लेकिन धन्यवाद इस साहित्य आज तक मंच का जिसने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं कुछ बोलने योग्य हो जाऊं। 20 से अधिक किताबें आपकी, कई का संपादन आपने किया, अध्यापन आपने किया, विदेश यात्राएं आपने की, लेकिन आपकी लेखनी में भी वो स्त्री दर्द हमेशा हर कहानी में, चाहे वो कमरा नंबर 303 हो, चाकू भी स्त्री मांगती है तो किस तरह से मांगती है, चाहे वो वृद्धों की पीड़ा हो, उसमें भी हम जब विधवाओं की बात करते हैं, और उसमें भी हम जब मथुरा का हमारे मन में जरा सा भी मैम ध्यान आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। आपने अभी तक ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि ये कहूं? धन्यवाद सईद जी। पहली बात तो ये कि आपने कहा इतनी पढ़ाई क्यों की, तो घर में पढ़ने का माहौल था और सब लोग शिक्षा को सर्वोपरि मानते थे हमेशा, तो बस पढ़ते गए आगे और इस तरह से डिग्रियां ली जो अध्यापन में काम आई। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए कि आप हम लोगों के साथ बैठने के लायक नहीं हैं। आप बिल्कुल लायक हैं, हम आपको हमेशा रोज सुनते हैं। और एक वाक्य कि प्लीज आप अपना बहुत ध्यान रखिए, ये वाक्य हमेशा एक बहुत अच्छे जीवन की तरफ इंगित करता है, तो आपसे भी बात करने में अच्छा लग रहा। बहुत सारी जो कहानियां लिखी हैं जिसमें वृद्धों का जीवन आया, स्त्री का जीवन आया, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी मुझे उन स्त्रियों के बारे में कहना है जो गांव में हैं, मजदूरी कर रही हैं, और जिनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ बहुत ही कम ध्यान जाता है। जो स्त्री एक परिवार की धुरी है, उस स्त्री की तरफ परिवार का ध्यान नहीं जाता है। तो मेरे दिमाग में बचपन से, चूंकि मेरा गांव में जन्म हुआ, मैंने गांव का परिवेश देखा, शहर का देखा, महानगर का देखा, विदेशों का देखा, सब जगह की स्त्रियों का जीवन मैंने देखा, तो मुझे लगता ऐसे अनकहे दर्द, ऐसी अनकही भावनाएं, ऐसे अनकहे संबंध अभी भी बाकी हैं जिनके मनोविज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ये जो युद्ध चल रहे हैं या जो युद्ध अभी हम बचपन से देखते आए हैं,
और उन युद्धों की विभीषिका में जिन निर्दोष लोगों का कोई दोष नहीं होता है, उन स्त्रियों के, उन बच्चों का जो विलाप है, जो रुदन है, जो बिखरी हुई जिंदगी है, अचानक वो विस्थापित हो जाते हैं, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग बनती है महानगरों में और खेतों को उजाड़ दिया जाता है महानगरीय जीवन में, खेत हमारी खेतियां कम होती जा रही। इसी तरह से युद्ध की जो विभीषिका के नीचे अभी मैं जो देख रही हूं, और किस तरह से सुंदर देश के देश, प्रकृति की प्रकृति, नदी की नदी सब उजड़ती जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस रोती हुई मनुष्यता को, बच्चों के, स्त्री के दुख को अभी कहना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और मैं वो कहना चाहती हूं, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर अभी तक मैं चारों तरफ ये सारी चीजें देख रही हूं, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है कि मैं उस दर्द को, उस कराह को, उस मानवता को मैं जरूर कहूं जो बहुत आजकल संवेदनहीन, जिस तरह से हमारी सत्ताएं हो गई, नेता हो गए, और वो जिस तरह से अपनी मर्जी थोपने के लिए देशों को और मनुष्यता को नष्ट कर रहे, मैं उस दर्द को, उन भावनाओं को जरूर कहना चाहती हूं जो अभी बाकी है। मैम, ये अच्छा है, और इससे कम से कम हमें ये आशा और उम्मीद बनती है कि महिलाओं के लिए अगर आप काम करती हैं, तो इतना लिखने के बाद भी, इतना उन्हें जागरूक करने के बाद भी, और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, गीता जी ने उल्लेख कर ही दिया श्रद्धा और आफ्ताब का, कि वो प्रेम में पढ़कर सब कुछ गवा देती है। हम आज स्त्री पर ही बात करेंगे, हम स्त्रियों की चुनौतियों पर ही बात करेंगे, व्यावसायिक जीवन में क्या उन्हें कोई कष्ट होता है, तकलीफ होती है, वो आगे बढ़ने से रोक दी जाती हैं। हम बहुत खुल के आज आप दोनों से ये बात करना चाहते हैं, लेकिन गीता जी, उससे पहले भाई, आप बेहतरीन रिपोर्टर, पत्रकार, गांव गांव गई आप, उर्मिला जी के झाबुआ तक पहुंच गई, आपने आदिवासियों पर काम किया, सब कुछ किया, बीड़ी मजदूर, वहां भी महिलाएं हैं, वो पत्ते जो घर घर बनती हैं, लेकिन हम आपको कथाकार कहें या पत्रकार कहें, हम आपको साहित्यकार कहें या रचनाकार कहें? मैं साहित्यकार नहीं हूं, मैं लेखक हूं, मैं स्त्री हूं और मैं लेखक हूं, मैं एक स्त्री लेखक हूं, इस रूप में मुझे याद रखिएगा। मैं नहीं जानती कि किसी को खांचे पसंद है या नहीं है, लेकिन मुझे स्त्री लेखक कहलाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एक स्त्री हूं, और मैं स्त्री होने के नाते मैं जानती हूं कि स्त्री होना क्या होता है। एक गंभीर प्रश्न पूछ लें आपसे। जी जरूर। क्षमा, माफी के साथ, आपने जीवन में गीता जी बहुत कुछ हासिल किया है, अगर आप रिपोर्टर रहीं तो शानदार रिपोर्टर रहीं, अगर आपने अखबार में काम किया तो बेहतरीन काम किया, आप पुरुषों के उस क्षेत्र में भी प्रवेश कर गईं जहां डिजाइनिंग, लेआउट, ये सब अखबार का होता है, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में आपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। हमें ये लगता है कि अगर इतना शानदार करियर एक पत्रकार का होते हुए आप साहित्य की तरफ आती हैं और उसे छोड़ देती हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता करती हैं, लेखन करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये मन में प्रश्न मुझे, मेरे तो आता है, मेरे तो आता है, बिल्कुल आना, क्या क्या ऐसा नहीं था, क्या ऐसा आपको लगता था कि अब स्टैग्नेशन है, अब यहां से आगे नहीं बढ़ सकती, अब बस यहां मुश्किल है? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के जवाब, ईमानदारी से आप जवाब दीजिए, क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया में, साहित्य पर बाद में आऊंगी, कि मीडिया में स्त्रियों के लिए ग्लास सीलिंग है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैंने शुरू से ही प्रिंट मीडिया का रास्ता चुना था, मेरे सामने तब ऑप्शन थे, मैं दूरदर्शन शुरू हुआ था और मैं 6 महीने रिपोर्टिंग किया मैंने, और मेरे पास उस समय ये ऑफर था कि मैं इस समय दूरदर्शन, इस समय मैं चैनल की रिपोर्टर होती या एडिटर होती, लेकिन ये मेरा चयन था कि मैं प्रिंट मीडिया में रहूं, और शायद उस समय थोड़ी पागल मैं तब भी थी कि मैं ये कहती थी, लोग मुझसे कहते थे कि नया नया शुरू हुआ है, हर चैनल में लोग लड़कियों को ढूंढ रहे हैं और तुम प्रिंट में क्या कर रही हो, और मैं जब प्रिंट में थी तब मैं अकेली थी, मतलब 15-15 पुरुष होते थे, अकेली रिपोर्टर मैं होती थी, हिंदी की बात कर रही हूं, तो उस समय भी मैंने प्रिंट का चयन यह
यह कहते हुए किया जब साहित्य के संस्कार नहीं थे मुझ में, लेकिन मुझ में एक पागलपन था, तो मैंने कहा कि मुझे छपे हुए अक्षरों का बहुत नशा है, इसीलिए मैं प्रिंट मीडिया में रहूंगी। जब अखबार छप कर आता है और जब मैं उसे सूंघती हूँ तो मुझे किसी इत्र सी खुशबू आती है और मुझे लगता है कि मैं कन्नौज की गलियों में घूम रही हूँ। तो मैं फिरदौस हूँ, मुझे प्रिंट में ही रहना है, तो मैंने प्रिंट अपनी मर्जी से चुना। छोड़ा क्यों और क्या देखा मैंने, ये अलग विषय हो जाएगा कि मैंने छोड़ा क्यों और मैंने क्या देखा। मैंने ईमानदारी से बता रही हूँ कि मैंने ये देखा कि जब भी कोई हायर पोजीशन खाली होती है तो आपको मैनेजमेंट को एक मैनेजर ही चाहिए, सिर्फ एडिटर ही नहीं चाहिए, एक मैनेजर भी चाहिए जो मैनेज कर सके। और हमारा उस दुनिया में प्रवेश नया नया था, हमारी नई नई आमद थी, तो हमने अपने को साबित नहीं किया, तो हमें इस काबिल नहीं माना गया कि स्त्रियां भी संभाल सकती हैं मैनेजमेंट को या वो अच्छी मैनेजर हो सकती हैं। तो हम बाजार के ख्याल से जो विज्ञापनों और अखबार के जो संबंध बने उसमें मिसफिट थे मालिकों की नजर में, तो हमारे लिए वो जगह नहीं थी। और कुछ हमारी कोशिशें भी कम थी, कुछ उनके इरादे भी नेक नहीं थे, तो हमने सब देख समझ के हमें ये लगा कि हम मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के अखबार या मीडिया में बड़े पदों पे सहजता से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरा, मेरे समय में ही भूमंडलीकरण हुआ, पत्रकारिता का मैंने स्वर्ण काल देखा, और मैं कह सकती हूँ कि ब्योमेश की तरह कि मैं उस पीढ़ी की हूँ, अगीत की तरह कि जिसने हाथ से लिख के और 6-6 महीने पे जवाब आता था, तो मैं उस काल की पत्रकार हूँ जिसने हाथ से लिख के ब्रोमाइड बना के कैची से काट के पन्ने पे चिपका के अखबार छापते थे, और हम सारी सारी रात पेज बनाते थे और ब्रोमाइड से, और तब प्रिंटिंग पे जाता था। जब कंप्यूटर आया तब हम लोगों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया और कहा गया कि नौकरी चली जाएगी अगर नहीं सीखोगे, तो हमने तकनीक बुढ़ापे में सीखी पत्रकारिता के मध्यकाल में। हमने पत्रकारिता का वो हाल देखा, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि लेखन का संस्कार परिवार से थोड़ा मिला, लेकिन अपने भीतर दुनिया के साथ एक दोस्ताना संबंध बनाने की जिद थी मेरी। मैं एक विरोधी बागी तेवर की स्त्री थी और मैं एक विद्रोह लेकर चलती थी हर चीज के प्रति, और वो जो गैर बराबरी स्त्री और पुरुषों के बीच जो सोसाइटी में, उसके प्रति मेरे भीतर भयानक विद्रोह था। और मैं सामंती परिवेश से निकलकर एक तो स्मॉल टाउन लड़की थी उस टाइम, बहुत छोटे उससे आई थी, तो मुझे मेरे भीतर ये दर्द था और ये गैर बराबरी मैंने झेला था, तो उस वक्त मेरे भीतर एक प्रतिरोध था मेरे भीतर, जो बाद में धीरे धीरे जाके एक लड़ाई में बदल गई। लेकिन मेरी लड़ाई विध्वंस के लिए है, जो देरिदा और जो बड़े बड़े विचारक कहते हैं कि विखंडनवाद की बात करते हैं, जो मेरा विखंडन है वो विध्वंस, जो मेरा विध्वंस है वो निर्माण के लिए था। मेरा विध्वंस सब कुछ तोड़ के बिखरा देने वाले उस बच्चे की तरह नहीं है जिसको फिर से पार्ट जोड़ना ना आता हो। मुझे मालूम है कि अगर कहीं संबंधों में कोई पेच है और वहां विखंडन करना जरूरी है तो वो मुझे करना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। यथा स्थिति स्वीकार करने का नतीजा है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। उसको जरूरत नहीं थी उस संबंध में लगातार ऐसे संबंध को जीने की, लगातार गालियां खाने की और लगातार इस उम्मीद में जीने की जिस उम्मीद में मैं जीती हूं कि मैं दुनिया से दोस्ताना संबंध बनाने के लिए लिखती हूं। शायद दुनिया की अधिकांश स्त्रियां इसीलिए संबंध बचाती हैं कि शायद कुछ सुधर जाएगा, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, शायद सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में हमेशा रहती हैं, इसीलिए मुझे लगा पत्रकारिता की एक सीमा रेखा होती है, हर मीडिया में काम करने वाला जानता है कि उसकी सीमा रेखा है, उसको संवेदनशील होने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे आप बड़े निर्मम होते हैं जो सिर्फ सत्य से टकराते हैं। आपको इमोशन में जीना है तो आपको वो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। आपके पास 1200 शब्दों की जगह है, आपके पास 3000 शब्दों की जगह है, आपको फैक्ट पे बात करनी है। संवेदनशीलता तो फैक्ट से ही टूट टूट के मर जाती है। अगर आपको संवेदनशील होना है और आपको जिसको कहते हैं कि एकदम खुला आकाश चाहिए जहां आप सब कुछ लिख सके अपने इमोशंस के साथ, उसके लिए आपको साहित्य की तरफ आना होगा। तो साहित्य की तरफ आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप साहित्यकार ही हो गए। हम लेखक हैं, पत्रकारिता मेरा पैशन है और पत्रकारिता अभी तक छूटी नहीं है, लेकिन हाँ, पत्रकारिता मेरा मुख्य काम नहीं है। मैं लेखन के जरिए
अपनी लड़ाई लड़ती हूँ, लेखन मेरे लिए लड़ाई का औजार है, लेखन मेरे लिए मेरे विद्रोह का औजार है, लेखन इस दुनिया से मोहब्बत करने और इस दुनिया से दोस्ताना संबंध बनाने का औजार है। ठीक है गीता जी, आपका इसमें दर्द भी छलका, लेकिन आपने फिर से एक उम्मीद दी है। आपको सुनने वाली हर बच्ची, हर स्त्री को कम से कम ये तो करना चाहिए कि परिस्थितियों से समझौता न करे। डॉक्टर उर्मिला, ये कहा जाता है कि हमारे देश में लड़कियों के लिए जो सबसे अच्छा व्यवसाय है या नौकरी है वो टीचिंग है। आप पढ़ा लीजिए, आप स्कूल में चले जाइए, टीचर बन जाइए, आपको लगता है कि आप एकदम, घर वालों को लगता है आप सुरक्षित हैं, आप बहुत अच्छी नौकरी कर रही हैं, आप युवा पीढ़ी का निर्माण कर रही हैं, राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रही हैं, और इससे कहीं ज्यादा अधिक उनके मन में यह होता है कि आप सुरक्षित हैं, आप भेड़ियों के बीच में नहीं है। मैं क्षमा कर रहा हूं, आज आप दोनों से इसी तरह के प्रश्न होंगे। मैम आप भी दिल पर हाथ रखिए, गीता जी ने बहुत ईमानदारी से अपनी बात कही है। आपको लगता है कि वहां सब ठीक है, आपने वीआरएस लिया, ये भी एक प्रश्न है कि जब इतना अच्छा आपका करियर चल रहा था तो वीआरएस लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? वीआरएस तो मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों से लिया है, और जहां तक ये सारी की सारी चीजें जो बच्चियों के बारे में या शिक्षा के बारे में आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शुरू में मेरा प्रशासनिक सेवा के लिए सिलेक्शन हो गया था, और मैं आज भी उस बात के लिए इतनी दुखी रहती हूं कि मुझे तब क्यों नहीं जाना चाहिए था। लेकिन परिवार का मानना था कि ये जो टीचिंग है वो बहुत ही सम्मानजनक क्षेत्र है और सुरक्षित है, यहां वहां नहीं जाना पड़ेगा। प्रशासनिक सेवा में गांव देहात तो दुनिया भर की जो झंझटें होती हैं वो सारी की सारी होंगी, और जब आप अपना करियर शुरू करते हैं तो उस समय परिवार का जो एक दबाव होना चाहिए या उनके जो भी भावनाएं होती हैं उसके दबाव में आप आ जाते हैं। लेकिन इस बात का मुझे आज भी बहुत ज्यादा मलाल है कि मैंने उस समय अपनी वो लाइन क्यों नहीं चुनी, क्योंकि मैं बचपन से ही, मेरा स्वभाव हमेशा गलत के प्रति खड़े होने का रहा, मैं हमेशा प्रतिरोध करने वाले स्वभाव की रही हूं। मैंने जहां भी लड़के लड़की में अंतर देखा, खान पान में अंतर देखा, रहन सहन में अंतर देखा, मैं हमेशा विरोध करती थी। मेरा नेचर, मैं यूं खामोश रहती हूं, बहुत कम बोलती हूं, लेकिन यदि आप मेरे कहानी या उसको उठाकर देखेंगे, हर एक में वो संघर्ष, वो विरोध, वो प्रतिरोध आपको दिखाई देगा। तो ये खामोशी की जो भाषा है उसको प्रतिरोध में कैसे बदला जाए? और सईद जी, जिस शहर में मैं रहती हूं वो शहर गंगा जमुनी तहजीब का शहर माना जाता है, लेकिन वहां भी लड़कियों की जो एजुकेशन है, बहुत ब्रिलियंट लड़कियां हैं, उनके परिवार वाले उनको बिठाल देते हैं घर में कि अब आगे नहीं पढ़ना है, चाहे आर्थिक स्थिति हो या घर की परंपराएं हो या सा। तो मेरी हमेशा जो विरोध रहा है कि नहीं, लड़कियों को हमेशा आगे निकालना है, यदि आप उनको शिक्षित करेंगे वो आपके परिवार को मजबूत बनाएंगे। तो ये जो ईमानदारी वाली बात है और मेरी जो लड़ाई है, कॉलेज में रहकर भी मैंने हमेशा उस लड़ाई को अपने साथ जीवित रखा, उस अग्नि को मैंने हमेशा जला के रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए लड़कियों को आप पीछे नहीं धकेलेंगे। और मैं अपनी जैसे कहानी में, एक चीख कहानी में जो बलात्कार वाली पूरी घटना है उसका अंत भी मैं इसीलिए कहती हूँ कि वो लड़की सोचती है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और वो स्कूटी उठा के चल देती है। तो ये जो प्रतिरोध का वो है, वो मैं चाहती हूँ कि लड़कियां स्वयं निर्णय लें, सशक्त बने, आगे जाएं, और प्रतिरोध की जो तपिश है वो उनको कभी भी अपने अंदर कम नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो निर्णायक रूप में आए, निर्णय लेना सीखें। अगर वो निर्णय लेना सीख जाएंगी तो बहुत सारे अपने जीवन के निर्णय वो ले सकती हैं, सही का चयन कर सकती हैं। और ये जो घटनाएं आज घटित हो रही हैं कि टुकड़ों टुकड़ों में किसी की देह को कर देना, मतलब कल्पना नहीं की जा सकती है इस बात की
कि कोई कैसे ये कर लेता है, वो मनुष्य है या नहीं है। तो मैं ये सोचती कि ये लड़कियां क्यों नहीं डिसीजन लेती हैं गलत के प्रति, कि आप मार खा रही हैं, पिट रही हैं, गालियां खा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और एक इस उम्मीद में कि जो व्यक्ति आज नहीं सुधरेगा वो कल कैसे सुधरेगा। तो यदि आप डिसीजन मेकर हैं, आप अपने निर्णय लेती हैं, तो कहीं ना कहीं इस जो हिंसा है, ये जो मार काट है, ये सारी की सारी चीजों से आप बच सकती हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ मैम। लेकिन एक समस्या हमारी बच्चियों के साथ ही आती है कि वो कितनी ही निर्णय लेने लगे या माता पिता के से अलग जाकर अपने निर्णय ले लें, लेकिन उन पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। उन पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन गीता जी एक 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 बात मन में ये आती है, अगर हम लड़कियों का, स्त्रियों का विकास देखें, व्यवसायिक विकास, साहित्यिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, अगर हम देखें तो एक आदिवासी अंचल में जाकर वहां की बीड़ी उद्योग, तंबाकू उद्योग में काम करने वाली एक महिला घर में, वो और महानगर दिल्ली यहां आकर एक मॉडर्न लड़की जो सिगरेट भी पीती है, शराब भी पीती है, पब भी जाती है, डिस्को भी जाती है, आपको उन दोनों की मानसिकता में, आपको उन दोनों के विकास में क्या फर्क नजर आता है? देखिए, आप शराब सिगरेट इसको आधुनिकता से जोड़कर देखते हैं तो ये गलत है। ये आधुनिकता नहीं है, आधुनिकता विचारों में होती है जो आपको आपके भीतर आत्मविश्वास भरती है। और हम जिस दौर में जी रहे हैं वो आधुनिकता तो कब की मर चुकी, 20वीं शताब्दी के आखिर में आधुनिकता मर चुकी। हम जो जिस दौर में जी रहे हैं वो पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म का जमाना है, क्योंकि 21वीं शताब्दी का ये 23वां साल शुरू होने जा रहा है, जवान हो चुकी है ये शताब्दी। हम एक जवान होती हुई शताब्दी में अगर ये बात करते हैं शराब सिगरेट को आधुनिकता से, तो मैं इसका खंडन करती हूँ कि ये किसी की पर्सनल च्वाइस हो सकती है और ये मानसिकता वाली बात इसमें नहीं आती है। लेकिन काम काज को लेकर आप बात कर सकते हैं, वो मजदूर क्लास है। शहरों में ज्यादातर आपने जिस वर्ग की महिलाओं की बात की, वर्किंग क्लास है। सबसे पहले तो मैं स्त्रियों को ये कहती हूँ कि ये जो सुपर वुमेन का जो सुपर वुमेन सिंड्रोम है, ये जो तमगा है, और ये सबसे बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, आपके दोहरे शोषण के लिए। इससे सुंदर वाक्य पैट्रियार्की ने गढ़ा ही नहीं है, या हमने खुद भी अपने लिए इससे सुंदर शब्द गढ़ा ही नहीं है कि हम सुपर वुमेन हैं, हमारे 10 हाथ हैं, हम दुर्गा हैं, हम 10 हाथ से सारे काम करते हैं। इस सिंड्रोम से बाहर आना होगा। बच्चे बीड़ी मजदूर या आप किसी कोई मजदूर जो घर बनाती हैं या जो ईंटों की चिमनियों में जो काम करती है, मैंने तो उनपे भी काम किया है, जो ईंट भट्टों में बांग्लादेश बॉर्डर पे स्त्रियां काम करती हैं, वो सारी की सारी तस्करी करके लाई जाती हैं काम करने के लिए। जो वहां की स्त्रियां हैं उनका शोषण भी ट्रिपल शोषण है, यहाँ डबल शोषण है, वहां ट्रिपल शोषण है। ट्रिपल शोषण ये है कि यहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं है, बीड़ी मजदूरों के यहाँ जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है स्वास्थ्य संबंधी, जिसमें औरतें भी मर रही हैं और पुरुष भी मर रहे हैं। उनको घर में भी करना है काम, बीड़ी भी बनाना है, तेंदू पत्ता भी चुनना है, उनको घर में बच्चे भी पालने हैं, और जो टीवी से और तपेदिक से जो उनका पति मर रहा है, ज्यादातर पुरुष मरते हैं क्योंकि वो औरतें भरती हैं लेकिन चूर्ण बनाने का काम पुरुष करते हैं वहां पे, तो सीधा डस्ट उनके भीतर जाता है। तो ये जो सबसे अधिक वहां पे पुरुषों को टीवी की बीमारी और उससे जो मरते हैं, उनकी सेवा भी उन स्त्रियों को करना है। आप देखेंगे कि कई कुछ कुछ इलाकों में जहां मौतें ज्यादा होती हैं, हेल्थ की समस्या है, वहां विडोज बहुत ज्यादा हैं, विधवाओं की संख्या सबसे अधिक है। जैसे सुंदरबन में टाइगर विडोज बोलते हैं, जिनके बाग उठा के जिनके पतियों को ले गए, उस शहद के लिए जंगल गए, बाग उठा के ले गया, मछली मारने गए, बाग उठा के ले गया, तो वो सब टाइगर विडोज है। उसी तरह से जब आप बीड़ी मजदूरों की तरफ जाएंगे तो उनके टोबैको विडोज हैं, वो सब टोबैको विडोज उनको कहते हैं, क्लाइमेट विडोज है, अलग अलग विधवाओं के जो हैं उनके अलग अलग नाम है। तो जो इनके हैं वहां की जो स्त्रियां हैं उनका कामकाज का स्तर अलग है। उनको शहरी स्त्रियों से जोड़ के स्त्रियों को हमेशा कंपेयर करने के खिलाफ रहती हूं मैं कि गांव ग्रामीण स्त्रियां, शहरी स्त्रियां, और हमारे यहाँ एक भी डिस्कोर्स चलता है कि जो स्त्री विमर्श गांव तक पहुंचा नहीं,
भाई जब तक आप स्त्री विमर्श पर बातें वातानुकूलित कमरे में करेंगे, इस रमणीक वातावरण में करेंगे, तो कैसे उन स्त्रियों तक आपकी बातें पहुंचेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का ज्यादातर जो लेखिकाएं हैं इस समय जो लेखन कम एक्टिविज्म ज्यादा कर रही हैं, हमारी जो पहले की लेखिकाएं थी वो लिखती थी सिर्फ, आज की लेखिकाएं एक्टिविज्म भी कर रही हैं अपने लेखन के जरिए और जमीन पर उतर के भी। मैं मैक्सिमम लोगों के नाम गिना सकती हूं जो एक्टिविज्म करती हैं और आप मोर्चों पे दिखेंगी, चाहे शाहीन बाग में हो, चाहे मेरी रात मेरी सड़क कैंपेन हो, हर जगह दिखेंगी। वो लिख कर भी आंदोलन कर रही है और आंदोलन जमीन पर उतर कर भी कर रही है। तो ये जो दौर है एक्टिविज्म का, वो शहरी औरतों की मुश्किलें अलग है, गांव ग्रामीण की अलग है, लेकिन जो स्त्री विमर्श है वो ग्राम गांव तक पहुंचाने का काम किसका है, आयोजकों का है। हम लोग जाते हैं स्कूलों तक, गांव में जाते हैं। यहाँ बैठी है मेरा रंग की शालिनी श्रीनेट, वो उनका मेरा रंग हम लोगों को गांव में ले जाता है और हम उन स्त्रियों के बीच में बैठ के उन्हें बताते हैं। कम से कम 8 मार्च को जरूर जाते हैं और उनको ये बताते हैं कि स्त्री के अधिकार क्या हैं, संपत्ति के अधिकार क्या हैं, तुम्हारे साथ क्या क्या अन्याय हुआ, तुम कैसे एक मशीन की तरह ट्रीट की जाती हो, तुम्हारे साथ कैसे तुम कैसे संबंधों में घुट रही हो और आवाज नहीं उठाती हो। ऐसी स्त्रियों के बीच में जाने की जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी की लेखिकाओं की है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके अलावा भी हमारी महफिलें, हमारी बैठकें उन औरतों के बीच में होती है जहाँ हम उनसे मिलते हैं और उनकी बातें करते हैं उनके साथ बैठ के, तभी कोई फायदा है। अगर उन तक बात नहीं पहुंची तो इस तरह के विमर्श का इसको यही रह जाना है। मुझे नहीं लगता कि चार का दिल भी बदलेगा यहाँ से, क्योंकि अगर इंसान सुधरने वाला होता तो श्रद्धा के साथ जो हुआ वो कभी नहीं होता। बस यही, इसीलिए हम आपसे सहमत नहीं थे और आपने वो बात अंत में कह दी। अगर ऐसा होता तो स्त्री विमर्श पर, स्त्री अधिकार पर कितना लिखा गया, कितना किया गया, आपने भी किया और आपकी आपसे पहले की पीढ़ी, आपकी अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी सब कर रही है, शालिनी जी कर रही हैं, आप सब कर रही हैं। लेकिन क्योंकि इशारा हो गया है, मन बिल्कुल नहीं भरा है, प्रश्न बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है, अर्पिता जी आपका संदेश मिल चुका है। गीता जी, हम सहमत नहीं है आपसे, इसलिए सहमत नहीं है बिल्कुल भी, यदि आप कंपेयर नहीं कर रही हैं उस बीड़ी मजदूर से, उस आदिवासी महिला से, आज की अर्पिता आर्या को, तो फिर वो आदर्श स्थिति क्या है। मैं शुरुआत आपसे करता हूं, 30-30 सेकंड में हम खत्म करेंगे। हम गीता जी से बहस करना चाहते थे इस मुद्दे पे, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। एक आदर्श स्थिति उस लड़की के लिए क्या होगी, किसे आप कहेंगी कि हाँ आज इस बच्ची को अधिकार मिल चुका है, हाँ अब मैं सब कुछ कह चुकी हूँ, हाँ अब मैं सईद अंसारी से कहीं आगे हूँ, और वो गम, वो दर्द, वो छटपटाहट आपके अंदर नहीं होगी कि मैं संपादक नहीं बन सकती, मेरे लिए एक दीवार खड़ी कर दी गई है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती। 30 सेकंड आप और अंत आपसे करें। बहुत अंतर है गांव की और शहर की स्त्री में, बहुत अंतर है लड़कियों में, बच्चियों में। मैंने अपनी आंखों से देखा, आदिवासी बच्चियां जो हमारे यहाँ आती हैं उनकी लाइफ को मैंने बहुत करीब से देखा और आदिवासी इलाकों में मैं भी गई, तो दोनों में बहुत अंतर है। और दूसरा ये कि मैं हमेशा इस पक्ष में रहती हूँ कि इन सारी चीजों से जो आपके लिए बंधन बने हुए हैं आपके जीवन में, उन सब से निकलकर आपको अपना व्यक्तित्व बनाना है, आपको अपना गढ़ना है, आपको संघर्ष करना है, ठीक है मैम, चाहे कुछ है, वही सबसे ठीक है मैम। आखिरी सवाल बहुत छोटा सा आप दोनों के लिए, आदर्श स्थिति एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए। मैं बताना चाहती हूँ, देखिए अभी इससे पहले वाले सेशन में आपने सुना नासिरा शर्मा ने कहा कि हम अदब की बाई पसली है, हमें संभालिए। इससे पहले किरण सिंह ने कहा आत्मकथ में, मैं स्त्री हूँ, मैं एक विलुप्त होती हुई प्रजाति हूँ, मुझे संभालिए। आज स्त्रियां आज भी 21वीं शताब्दी में कह रही हैं मुझे संभालिए। लिविन में भी रह रही है ना लड़कियां, तो लिविन में रहने वाली लड़कियां क्या हैं? आदर्श स्थिति न विवाह है और न लिविन है, आदर्श स्थिति अंडरस्टैंडिंग है। नहीं है, आदर्श स्थिति अंडरस्टैंडिंग है, आदर्श स्थिति स्वामी नहीं है, आदर्श स्थिति साथी है। स्त्री को दो चीजें, एक तो साथी चाहिए बराबरी लेवल का, दूसरा हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए वो दरवाजा खुला रखे। एक कमरा चाहिए एक लड़की को, अपनी संपत्ति में बराबरी का हिस्सा दो,
कि जब उसके अपनी साथी से नहीं पटे वो लौट के उस दरवाजे से अपने घर में जा सके। और लड़कियों को पराया धन पराया धन पराया धन कहना बंद करिए। न लड़की धन है न लड़की पराया है। लड़की वैसे ही है जैसे आपका बेटा है वैसी बेटी है। लड़की के लिए आदर्श स्थिति उसका बाप तय करेगा, उसके बाद बराबर का साथी चाहिए एक अंडरस्टैंडिंग के साथ। थैंक यू गीता जी, बहुत धन्यवाद गीता जी, बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। एक आप आइए, दोनों आइए। एक बात तो दोस्तों यहां पर तय है कि गीता जी का जो गुस्सा है जो आक्रोश है वो किसी एक के लिए नहीं है। और आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने माता पिता घर समाज को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन हमारा ये मानना है गीता जी वो साथी है, वो साथी उस आदिवासी महिला के साथ भी है और वो साथी यहाँ मेट्रो में लिव इन में रहने वाली पब में जाने वाली सिगरेट शराब पीने वाली लड़की के साथ भी है। कोई आज का पुरुष ये नहीं कहता कि कोई सिगरेट पीती है तो वो गलत है, वो खुद सिगरेट पिलाता है, वो खुद शराब पिलाता है। तो ये भी आप प्लीज अपने मन से निकाल दीजिए। जोर से बोल के आप सच साबित नहीं करेंगे। आप प्रतिशत देखिए, प्रतिशत देखिए। हम सब सपोर्टेड हैं, हम सब समर्थन है, हम सब के साथ ऐसा जीवन साथी अंडरस्टैंडिंग वाला है, इसलिए आज इतना गरज के हम बोल पा रहे हैं। तो इसलिए पुरुषों को जिम्मेदार मत बनाइए, पुरुषों को दोष मत दीजिए। आज जितनी बच्चियां आई हैं सब लड़कों के साथ आई हैं और सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। आप जितनी मतलब यहाँ कम से कम 100 ग्रुप दिख रहे हैं, अगर एक लड़की हाथ हिलाओ बच्चों, देखिए अगर एक लड़की अकेली आपको यहाँ दिख रही है, बताइए ये साथी है, ये सम्मान है, ये विश्वास है। गीता मुझे लगता है कि सईद ने वही बात कर दी। अब तक का सबसे बड़ा झूठ स्त्रियों की लड़ाई पुरुषों से है। नहीं, ये सबसे बड़ी मैंने नहीं कहा झूठ है। मैं आप कहती हैं स्त्रियां कहती हैं कि स्त्रियों की लड़ाई पुरुषों से, बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पुरुषों ने सम्मान दिया स्त्रियों को, सर आंखों पर बिठाया है, दिल में बिठाया है। समानता की बात सईद जी पुरुष से नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। कभी भी किसी बात को पुरुष के खिलाफ खड़े होकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही है, हमेशा सहयोग पुरुष का रहा है और हमेशा रहता है, चाहे पिता के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में या आपके किसी भी रूप में, पुरुष हमेशा सहयोगी रहा। हम लोग इसीलिए खड़े हैं। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा ये कि आदर्श स्थिति लड़की के लिए वही है कि वो अपने निर्णय ले और उसे समानता का अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला जी और गीता जी, आप दोनों को और आप सभी को ये बता दें कि हर पुरुष अपने साथी को ये छूट देता है कि वो अपना निर्णय ले सके, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो प्रेमी हो और चाहे वो हस्बैंड हो। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी, गीता जी, बहुत धन्यवाद। समय कम है, बहुत मैं भी सहमत नहीं हूँ आपसे, आप भी जोर से बोल के ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी, गीता जी, सईद जी। मुझसे कहीं तेज आवाज गीता जी की थी, आप सब जानते हैं। पूरे सत्र में अगर सबसे ज्यादा कोई तेज और ऊंची आवाज में बोला है तो वो गीता जी बोली। बहुत तालियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी आपका भी, गीता जी आपका भी, और हमें सुना ही। अब ये सईद जी, सईद जी बहुत बहुत शुक्रिया।